हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस आई एम मैडी। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज ये हमारा एमएस एक्सेल का पार्ट पांचवा है, यानी कि ये फिफ्थ पार्ट है हमारे एमएस एक्सेल का। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। आज इस एमएस एक्सेल के वीडियो में हम रो और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट करना सीखने वाले हैं, और भी क्या सीखने वाले हैं चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रो इंसर्ट करने से। तो हम देखते हैं कि हमें कई बार ऐसा होता है, हमें कई सारी रोज ऐड करनी पड़ती है, तो हम वो रो ऐड कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे एक रो सिलेक्ट करनी, जैसे मैंने एक रो सिलेक्ट की, रो सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे अगर इसमें एक रो को ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगा। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस किया तो एक रो आप देख सकते हैं, एक पूरी रो ऊपर ऐड हो चुकी है। और इसी तरीके से फिर अगर मैंने इसको सिलेक्ट करके फिर एक बार कंट्रोल प्लस प्रेस किया तो फिर से एक और रो ऐड हो चुकी है। अंडू कर देता हूं मैं एक रो के लिए। ये तो हुई कीबोर्ड से शॉर्टकट की। अब अगर मुझे माउस से करना है तो मैं कैसे करूंगा। मैं इसके ऊपर लेके गया अपने कर्सर को और मैंने एक रो सिलेक्ट कर रखी है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देता है इंसर्ट। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एक रो इंसर्ट हो जाती है। फिलहाल के लिए मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, एक रो ही मैं इंसर्ट करके रख रहा हूँ। ये हुई रो की बात। अब अगर मुझे कोई कॉलम यहाँ पर ऐड करना है तो मैं कैसे करूँगा। मैं यहाँ पर पूरा एक कॉलम सिलेक्ट कर लूँगा। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद वही शॉर्टकट की जो मैंने रो के लिए लगाई थी वही मैं कॉलम के लिए लगाऊंगा। मैं कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम मिल जाता है। इसी तरीके से मैं फिर से कंट्रोल प्लस प्रेस कर रहा हूँ तो एक और मुझे यहाँ पर मिल जाता है। अभी एक मैं अंडू कर देता हूँ। और अगर मुझे यही माउस से करना है तो मैं माउस का कर्सर यहाँ लेके जाऊंगा और यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इंसर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ एक रो एक कॉलम यहाँ पर आ जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ तो अब आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि एक्सेल आपसे पूछता है आपको यहाँ पर एक रो ऐड करनी है या आपको एक कॉलम ऐड करना है। तो जैसे ही अगर मैं एंटायर रो पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये एक रो पूरी एक रो बना के दे देगा, इंसर्ट करके दे देगा। और यही अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट पे फिर से क्लिक करता हूँ तो ये फिर से पूछता है कि आपको क्या चाहिए, आपको रो करनी है या आपको कॉलम करना है। तो मैं एंटायर कॉलम पे क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये एक मुझे कॉलम इंसर्ट करके दे देगा। फिर से देखते हैं, इंसर्ट किया, एंटायर रो पे क्लिक किया और ओके बटन प्रेस किया तो एक एंटायर रो मुझे यहां पर मिल जाती है। ये तो हुई इंसर्ट की बात। अब अगर मुझे डिलीट करना हो तो मैं डिलीट कैसे करूंगा। मैंने एक रो सिलेक्ट की और अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस प्रेस कर रहा हूं। जैसे मैंने कंट्रोल माइनस प्रेस किया तो मुझे तो वो एक पूरी रो डिलीट हो चुकी है। इसी तरीके से मैंने कोई कॉलम इंसर्ट किया है और अब मुझे इसको डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस प्रेस करूंगा मैं इसको सिलेक्ट करके, तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। और अगर मुझे माउस से करना है तो मैं माउस का कर्सर लेके जाऊंगा, यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई देता है, डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो वो रो आप देख सकते हैं डिलीट हो चुकी है। अंडू कर देता हूँ वापस। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सेल फाइल में रो और कॉलम को ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम इनकी शॉर्टकट की देखने वाले हैं, हम शॉर्टकट की के थ्रू कैसे हम इंसर्ट करेंगे कॉलम और रो को। तो हम एक कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद अब मैं कीबोर्ड से ऑल्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ। ऑल्ट बटन प्रेस करने के बाद मैं आई बटन प्रेस करूँगा। आई बटन प्रेस करने के बाद मैं सी बटन प्रेस करूँगा तो एक कॉलम यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ये हमने शॉर्टकट की के थ्रू किया है अभी। और इसी तरीके से अगर मुझे रो करनी है इंसर्ट शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट की से,
तो मैं वो कैसे करूँगा, मैं सबसे पहले ऑल्ट बटन प्रेस करूँगा, ऑल्ट बटन प्रेस करने के बाद मैं आई बटन प्रेस करूँगा, आई बटन प्रेस करने के बाद मैं आर बटन प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं एक रो इंसर्ट हो चुकी है। अब अगर मुझे इसको डिलीट करना है वापस, तो मैं कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से मैं कॉलम सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा कॉलम भी। अब कई बार देखा जाता है कि हमें एक कॉलम या एक रो ऐड नहीं करनी, हमें बहुत सारी करनी, या बहुत सारी का मतलब हम मान लेते हैं चार या पांच, मुझे एक साथ करनी है, तो क्या मैं ऐसे कंट्रोल प्लस बार बार प्रेस करके ऐड करूँगा? नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा, सी डी ई एफ, आप जो कॉलम देख रहे हैं। अब मैंने कितने कॉलम सिलेक्ट किए हैं, सी डी ई एफ जी, यानी कि मैंने पांच कॉलम यहाँ पर अभी सिलेक्ट करके रखे। अब अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं पांच कॉलम मुझे एक साथ इंसर्ट मिल जाएंगे। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर पांच रो सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कंट्रोल प्लस प्रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से, तो मुझे पांच रोज यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये एक एक साथ रो और कॉलम इंसर्ट करने का तरीका है जो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको रो और कॉलम इंसर्ट करना आ गया होगा, एक साथ बहुत सारे कॉलम और रो इंसर्ट करना भी आपको आ गया होगा। अब मैंने एक जो ऊपर एक रो में लाइन ब्लैंक रखी है, इसमें हम एक टाइटल दे देंगे इसको, जो भी हमने डेटा इसमें डाला है, तो हम इसके अंदर इसको टाइटल दे देते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं रिपोर्ट कार्ड और एंटर कर दिया मैंने। अब आप देख सकते हैं ये एक तरीके का मैंने एक टाइटल यहाँ पे दे दिया है, रिपोर्ट कार्ड। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया है ए टू जे, यानी कि मैंने यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो क्या करूँगा मैं सेंटर में कैसे लेके जाऊँगा इसको? सेंटर में ले जाने के लिए क्या मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करूँगा? नहीं, ये सही तरीका नहीं है सेंटर में ले जाने का। तो मैं अभी अंडू कर रहा हूँ, अंडू कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ ए टू जेड तक सिलेक्ट कर लूँगा, ए टू जे तक मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर होम टैब में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मर्ज एंड सेंटर। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मर्ज कर देगा इस पूरी रो को, और जितनी मैंने सिलेक्ट की थी उस पूरी रो को मर्ज कर देगा, और इसको जो मैंने टाइटल दिया था उसको सेंटर में लेके आ जाएगा। अब ये टाइटल हो गया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर कुछ भी कलर दे सकता हूँ, कलर फिल कर सकता हूँ इसके अंदर इस तरीके से। ये मैंने एक कलर फिल कर दिया है रिपोर्ट कार्ड, और मैंने इसके अंदर इस रो के अंदर कलर फिल कर दिया है। अब हम ये देख लेते हैं अगर मुझे इसका प्रिंट देना है तो ये किस तरीके से हमें दिखाई देगा। मैंने कंट्रोल पी प्रेस किया, अब मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल सा एक आपको ये टेबल दिखाई दे रही है, जो देखने में अच्छी नहीं लग रही हो और समझ में भी नहीं आएगी कि ये कौन सी रो कौन सी कॉलम है क्या है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये जो हमने डेटा शीट बनाई है हम इसको बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर कैसे देंगे, मैंने इनको सबको सिलेक्ट कर लिया, माउस से ड्रैग करके मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आप होम टैब पे ही देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही मैं यहाँ इस डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको बॉर्डर के तरह तरह के अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें हमें ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना होता है। जैसे मैंने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉर्डर बन चुकी है। अब अगर मैं प्रिंट पे जाता हूँ कंट्रोल पी करके और मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर आ चुकी है और ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और जब ये प्रिंट आएगा तो ये इस तरीके से प्रिंट आएगा। बॉर्डर लाने से फायदा है कि जब हम प्रिंट लेते हैं तो हमें ये बॉर्डर प्रिंट में दिखाई देती है, और जब हम बॉर्डर नहीं देते हैं तो ये ग्रिड लाइंस जो होती है ये प्रिंटिंग के टाइम पे या प्रिंट में जब हम इसका प्रिंट लेंगे तो वो हमें लाइंस नहीं दिखाई देगी। तो इसलिए ज़रूरी है जब भी हम प्रिंट ले रहे हैं तो हम सारी बॉर्डर्स इस पर अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद ही हम इसका प्रिंट लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमएस एक्सेल के एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।